बड़ा चीज तो पास पाई नहीं चला गया। पूरा रोड कट चुका है। तो पानी बैठ गया सर, सर तो एकदम खून था रोड लबालब शोर से बैठ रहा है। क्या हुआ सर कहा रोड साफ है। चल ठीक है, कम से कम बस्ती का आदमी को काम लगाइए, जो बाहर से आया है, जो लोग परेशान है वो काम होगा तो कम से कम 2 टका बस्ती में रहेगा, बाहर से आके काम करेगा। ग्रामीण कार्य विभाग से हैं जी, सेठ सीमेंट मंगवा रहे हैं। वाल दिया हुआ है 500 मीटर वाल दिया हुआ है और बोल्डर फिटिंग दिया हुआ है, बाहर जिससे खत्म होगा है जून महीना में, तो उसको वर्क खत्म कर रहा हूँ। तत्काल इसको रोकने के लिए बांस बल्ला जो भी हो रहा है, जो सामान लोकल उपलब्ध है। छोटा छोटा बच्चा है 4 ठो, पहले कहाँ रहते थे, घर कहाँ था आपका? उधर था, नदी के उस पार। इस नदी पार में, नदी में जहाँ नदी है। अच्छा, इस पार था। हाँ, उसके बाद उसके बाद वहाँ कटाया, कट गया तो यहाँ आए। हाँ, यहाँ घर बनाए बनाए, यहाँ भी कट गया। अब कहाँ जाएंगे? अभी अभी कहाँ जाएंगे, कहाँ बच्चा लेकर के कैसे खाना पीना होगा, कैसे खाना नहीं कहाँ खाएंगे, अपना जान लेकर परेशान है तो खाना कहाँ खाएंगे। घर द्वार टूटता है तो घर द्वार को देखेंगे ना, खाना खाएंगे ना, बाल बच्चा को देखेंगे। हाँ, ये कब से हो रहा है? हो रहा है तो कितना दिन से होता है, 4-5 साल। हाँ, कोई पूछने वाला है आप लोगों को? कोई
ऐसे पूछ करके चला जाता है, कोई नहीं सुनता। हाँ कोई नहीं सुनता है, ऐसे फटा करेगा, छलना करेगा, तुस्का करेगा, अड़ाहा करेगा, डमरू करेगा, चल गया, होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मैंने हमरम है। अब महानंदा जो है तो यही जो पानी तीन साल से चल रहा है और कटाव हो रहा है, बांध जब होता है आदमी जो है दूसरा जगह में जा करके स्थल लेता है, परेशान होता है। पानी आता क्या करते हैं? जब पानी आता है तो जो भूड़ पर किसी पर चल जाते हैं ऊपर, और ये जो है पूरा सैलाब रहता है, घर द्वार छोड़ के भाग जाते हैं। और अभी जो है वो तो अभी जो है कटा लग रहा है और बांस गड़ के जाता है और वो जो है महानंद में बहा के चल जाता है। नहीं 10,000 बांस। आप लोग का घर भी तो बह जाता है हर साल? हर साल बनाते हैं, हर साल जाता है क्या? हाँ हर साल, हर साल बह के जाता है वो, जो सब आदमी जो है भूखे मरते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। वैसे उस तरह से होता है। कितना परिवार होगा? 20,000। अच्छा 20,000। इसी तरह से जिस तरह से बाढ़ आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, वो बाढ़ के लिए परेशानी बहुत, कहाँ कहाँ रहता है आदमी के, इतना झंझट। पानी अचानक आ जाता है, अचानक आता है, जान बचाने के लिए आ रहा है। आज जो इंजीनियर ये लोग आया है, क्या वो ये लोग आता है बाढ़ का जिस टाइम आता है उस टाइम आता है, देख करके निकल जाता है, सूखा खराब में कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता ना, कोई नहीं। आप देखिए कि आज 3-4 रोज से आ रहा है बाढ़, आज 3-4 रोज से देख रहे हैं, घूम रहे हैं। कल 10,000-20,000 बांस गिरा दिया, बांस सब चल निकल गया, रात में बिल बन गया है, गरीब मर गया। अब देखिए कि साहब कितना परेशानी है आदमी साहब। किस तरह का परेशानी है? बहुत परेशानी काटन के लिए, इतनी काटन जो चल रहा है तो काटाव जो कर रहा है, हम लोग को तो बेचैनी तो रहना ही पड़ेगा, घर द्वार। क्या नाम हुआ आपका? मजीबुर रहमान। करेंट है, हम लोग देख रहे हैं, यहाँ जो संभव हो सकेगा हम लोग काम कराएंगे। तभी क्या करवा रहे हैं? तभी हम लोग तो देख रहे हैं ना, अभी देख रहे हैं। हाँ देख रहे हैं, होगा तो बम्बू रोल हम लोग कराएंगे वहाँ पर गांव के आसपास में। लेकिन ग्रामीण हर वर्ष परेशान रहता है तो उसके बावजूद भी फिर बाढ़ खत्म आप लोग भी भूल जाते हैं? ना ऐसा नहीं होता, रातों रात ग्रामीणों को भागना पड़ता है घर द्वार छोड़ करके। हम लोग इस गाँव में काम करा रहे हैं ना, सरकार के पास सीमित संसाधन है, उसके अनुरूप प्रायोरिटी बेसिस पर लिया जाता है। पिछले साल यहाँ पर इस तरह की स्थिति नहीं थी। अभी जो कटाव हो रहा है उसके बचाव के लिए क्या कार्य किया जा रहा है? तो अभी हम लोग वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा अटैक कर रहा है वहाँ हम लोग बम्बू रोल कराएंगे, धारा को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए इस तरह से काम करेंगे। तो हम लोग किया जाता है तो फ्लड पैसा पानी में चले जाता है। फ्लड फाइटिंग के दौरान जो हमारा कार्य करने का तौर तरीका है उसी चीज को हम अप्लाई करेंगे। तो बरसात के बाद जो है कि कोई जैसे कटाव निरोधक कार्य होता है उसके लिए हमारे विभाग के जो टीम गठित है ये सब चीज देख कर बनाया जाता है। इस क्षेत्र में किसान भी बच जाएंगे, गरीब परिवार भी बच जाएगा। बांध जहाँ आवश्यक होता है एक्सपर्ट आते हैं देखते हैं, उनका रिकमेंडेशन होता है, उसके आधार पर कार्य कराया जाता है, विभाग स्वीकृति देती है।